FIA साइबर क्राइम को बिल्कुल अप्रोच करें, 9911 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके किया जा सकता है। helpdesk@nr3c.gov.pk पे ईमेल करके हमें कंप्लेंट की जा सकती है। FIA.gov.pk वेबसाइट है, उस पर जाके कंप्लेंट की जा सकती है। और हमारे 15 स्टेशन हैं पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम के सर्कल्स हैं, वहाँ इन पर्सन जाके कंप्लेंट की जा सकती है। और मैं एक और चीज़ इनक्रेज करूँगा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली होगा, एजुकेटेड लोग हैं, आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पास आ गए और अपने आप को आप इस तरह से फील करोगे कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, लोगों की कंप्लेंट्स को किस तरह से बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, किस तरह से मज़ीद इसको इजी किया जा सकता है कि वो हमारे से रابطہ करें, तो उसके लिए सजेशंस भी दी जा सकती हैं जिसको हम वेलकम करेंगे। आजकल व्हाट्सएप को हैक करने की बड़ी कंप्लेंट आ रही है, वो उसमें इस तरह से जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इस तरह से इसको मैनेज करते हैं कि किसी के भी मोबाइल को व्हाट्सएप में डाल के और उसको कन्फिगर करते हैं, जब तो उस वो जो यूज़र होता है उस सिम के ऊपर उसका कोड जाता है, तो वो उसको फौरी तौर पे कॉल मिलाते हैं और उसको कहते हैं कि जी मेरे अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं उनको इजी पैसा करवा रहा था तो आपके मोबाइल पे इजी पैसा का कोड आ गया, प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दें। वो बड़ा परेशानी सी शो कर रहा होता है और आप इन गुड फेथ जो है वो आप उसको कोड बता देते हो, वो आपको ये आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये मेरे व्हाट्सएप का कोड है, आप उसको कोड बताते हो, वो आपका फौरी तौर पे व्हाट्सएप जो है वो कन्फिगर कर लेता है। तो ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट हो रही है। मैं काइंडली ये बताऊँगा लोगों को, ये कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी जल्दी में हों, जितना भी आपको कोई परेशानी अपनी जाहिर करे, आप अपने मोबाइल पे आया हुआ कोड किसी को ना बताएं। वो व्हाट्सएप का भी हो सकता है, वो फेसबुक का भी हो सकता है, वो किसी भी ऐप का कोड हो सकता है। सोशल मीडिया का जो यूज़र है उसके दिमाग में ये बात होती है कि पूरी दुनिया इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, वो पकड़ा नहीं जा सकता, वो समझता है कि मैं छुपा हुआ हूँ। बट ये मैं बताना चाहूँगा कि हम उसको पिन पॉइंट करके बिल्कुल पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो सैकड़ों में हैं जिनको हम अरेस्ट कर चुके हैं, जो सज़ाओं के हवाले से जो साइबर क्राइम में है, किसी की प्रोफाइल को हैक करना उसके लिए 2 साल की सज़ा है, किसी की फेक प्रोफाइल को बना देना उसकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ करना उसकी 3 साल की सज़ा है, किसी को बदनाम करना, किसी की जो है वो डिग्निटी को क्वेश्चन क्वेश्चन करना उसकी 3 साल की सज़ा है, हरेसमेंट के हवाले से ये है कि किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस करना उसकी 3 साल की सज़ा है, और इसके अलावा ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट अगर किसी का कोई अपलोड करेगा या ट्रांसफ़र करेगा तो उसकी 5 साल की सज़ा है, या नॉन अवेलेबल ऑफेंस। प्लास्टिक मनी फ्रॉड्स जो आजकल हो रहे हैं वो 2 तरह से हो रहे हैं, एक तो एटीएम मशीन पे जाके फ्रॉड किया जाता है, और दूसरा ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट या शॉपिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे ये होता है। एटीएम पे इस तरह से होता है कि जब भी कोई अकाउंट होल्डर जाके एटीएम पे अपनी कार्ड यूज़ करता है तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो जहाँ से कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट किया जाता है वहाँ पे एक डिवाइस अटैच कर देते हैं, वो डबल टेप के साथ लगा देते हैं, जब भी आप कार्ड उसमें से डालते हो तो वो डाटा आपका वो डिवाइस रीड कर लेती है और उसको स्टोर कर लेती है, और उसके बाद जहाँ पे आप उसका कीपैड होता है वहाँ से पिन आप एंटर करते हो, उसके ऊपर उन्होंने कैमरा लगाया होता है, तो वो ये होता है कि आपका की पिन जो होता है वो भी उसको रीड कर लेते हैं। तो वो जब भी आप एटीएम के ऊपर जाओ कार्ड यूज़ करने के लिए, जहाँ से कार्ड इंसर्ट करते हैं उसको क्योंकि डबल टेप से लगाया होता है, उसको आप चेक कर लें एक दफ़ा हाथ लगा के, क्योंकि एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगी हुई इसके ऊपर, और कैमरा जो ऊपर लगाया होता है वो भी इसी तरह लगता है जैसे जिस तरह से वो एटीएम का हिस्सा है, तो उसको चेक कर लें एक दफ़ा, जब आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो उतर आएगा, जब इस तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं ये बहुत ज़रूरी है एटीएम यूज़ करने के लिए। और दूसरा ये होता है कि जब आप खाना खाते हो किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं से शॉपिंग करते हो वहाँ पे आप अपना एटीएम जो है या क्रेडिट कार्ड जो है वो वेटर को दे देते हैं या किसी को भी दे देते हैं और आप आराम से अपने टेबल पे बैठे हो, तो वो अपने पॉकेट के अंदर, बहुत सारे जगह पे हमने ये देखा है कि अपने पॉकेट के अंदर स्किमिंग डिवाइस उन्होंने रखी होती है, बहुत छोटी सी होती है जो पॉकेट के अंदर आ जाती, पॉकेट साइज़ की होती है, वो उसमें से स्वाइप कर लेते हैं और डाटा आपका जो होता है वो उनके पास कॉपी हो जाता है, वो डुप्लीकेट कार्ड्स बना लेते हैं। तो ये जब भी आप खाना खाने के लिए जाएं अपने सामने स्वाइप करवाएं, शॉपिंग करने के लिए जाएं अपने सामने उसको स्वाइप करवाएं, और एटीएम यूज़ करते हुए मैं फिर वही कहूँगा कि एक दफ़ा जहाँ से कार्ड इंसर्ट करते हैं आप एक दफ़ा उसको हाथ से हिला के चेक कर लें ताकि आपको पता हो कि एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगी हुई।